और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। यहाँ पर वसंत कुंज इलाके में आग लग गई है, जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और आग पर काबू पाने के लिए देखिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। कितनी भीषण ये आग है, ताजा जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पर अब काबू पा लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तो किस तरह से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं और 10 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं, इसका ये मतलब है आप देखिए किस तरह से आग इतनी भीषण थी। लेकिन निधि गनीमत की बात ये कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, दिल्ली का वसंत कुंज इलाका, वहां पर आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में लगी आग को बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर भीमताल से पानी ले जाकर जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर को शुक्रवार की दोपहर 2 बजे तक जंगल में लगी आग में पानी डालकर बुझाने का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भीमताल झील से पानी लिए जाने के वक्त आप देखिए किस तरह से झील में नौका विहार को भी थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था। खबर मुंबई से, यहाँ के एंटोपिल इलाके में मौजूद विजय नगर के घर का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, कुछ लोगों को चोट पहुंची। खबर ऐसी आई है सामने, हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू किए। 3 मंजिला मकान के 2रे और 3रे तल पर दीवार का एक हिस्सा ढह गया, उसका कुछ हिस्सा खतरनाक ढंग से लटका हुआ पाया गया। जख्मियों को सायन के LTMG अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार नया इतिहास लिखने जा रही है। यात्रा की शुरुआत से देश विदेश से आने वाले भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। यात्रा के 35 दिन पूरे हो चुके हैं और ये पहली दफा है जब यात्रा शुरू होने के 5 हफ्ते में ही करीब 8.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें अब तक 356 घायल और बीमार श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। 43 श्रद्धालुओं को हेली सेवा से बचाया गया है। वहीं 67 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी भेजा गया है। झारखंड में धनबाद मंडल के कुमडी स्टेशन के पास शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई है। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह पर कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से 3 यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 1 महिला समेत 3 लोग ट्रेन की चपेट में आए और उनकी मौके पर मौत हुई। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी करे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन माफिया और पूर्व BSP MLC मोहम्मद इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को ईडी ने जब्त कर लिया है। अवैध खनन के मामले में मोहम्मद इकबाल की यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ भूमि और सभी इमारतों को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं पूर्व MLC मोहम्मद इकबाल लंबे वक्त से फरार चल रहा है। माना यह भी जा रहा है कि वो दुबई में है और ईडी की जांच से पता चला कि सभी खनन फर्मों का स्वामित्व और संचालन मोहम्मद इकबाल के। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने अभी स्थिति अपनी साफ नहीं की है, जबकि CWC की बैठक में बकायदा प्रस्ताव पास करके पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता पद संभालने की अपील की थी, लेकिन राहुल गांधी ने सोचने के लिए कुछ वक्त लेने की बात कही थी। इस बीच आपको बताया कि सी वेणुगोपाल, शशि थरूर, मनीष तिवारी और गौरव गोगोई के नाम पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ एक उत्तर तो एक दक्षिण भारत से उपनेता हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस पर राजी हो सकते हैं। केंद्र में बनी नई सरकार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से बनी सरकार करार दिया। खड़गे ने कहा कि मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है जो कभी भी गिर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार चलती रहे। हमें देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने NDA सरकार को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बताया। NDA के पास प्रचंड बहुमत, हम बेहतर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष घबराया हुआ है। खड़गे के बयान को लेकर नकारात्मक बयान उन्होंने करार दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने TMC पर निशाना साधा है। चुनाव के बाद से राज्य में जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर मौत का तांडव हो रहा है और राज्य सरकार हिंसा के शिकार लोगों को राजभवन तक नहीं आने दे रही। अगर सरकार अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहती है तो संविधान अपना काम करेगा। मैं लोगों का राज्यपाल बनना चाहता हूं, इसलिए मैं उनसे मिलने भी गया, मैंने उनके साथ वक्त बिताया, मैंने जो सुना वो निर्दोष लोगों की गहरी आवाज थी जो गुंडों की बंदूक से डरे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम महिला को मिले फ्लैट पर छिड़े विवाद के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा आयोग को पिछले 3 सालों में एक समुदाय के दूसरे समुदाय के खिलाफ काम करने की कोई शिकायत नहीं मिली। हालांकि अपराध के कुछ ऐसे व्यक्तिगत मामले सामने आए हैं जिनमें की अल्पसंख्यक पीड़ित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग समुदायों के बीच सौहार्द बनाने के लिए 20 जून को वडोदरा में सर्वधर्म संवाद बैठक आयोजित करेगा। ओवैसी को भी आयोग ने शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी है।
सीएम योगी आज गोरखपुर जाएंगे जहां वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें इस दौरान संघ के विस्तार से लेकर बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी बातचीत हो सकती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में ही है और इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहद खराब रहा। बीजेपी सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई जबकि लक्ष्य लोकसभा की 80 से 75 सीटें जीतने का था। कई बार तो 80 में से 80 भी कहा गया लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सामने बेहद पीछे रह गई। पास ही था इकबाल और उसके करीबियों की कंपनियां और फर्म सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल थी। Z News.